तो अभी। और ये पुलिस कहाँ से आ गई? आप क्या कर रहे हैं जी? आप क्या कर रहे हैं? आज की जो वीडियो है न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारी इस पूरी YouTube फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि मैंने किया है अपना कैमरा अपग्रेड। और कौन सा कैमरा मैंने लिया है ये मैं आपको बताऊंगा सफ़र के बीच में। सो गाइज वेलकम बैक, आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैंने अपने कैमरा सेटअप को कर लिया है अपग्रेड और परचेज़ कर लिया है मैंने एक DSLR जिसके के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो गाइज मैंने कर लिया है अपना कैमरा अपग्रेड। पहले मैं यूज़ करता था GoPro Hero 7 ब्लैक और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कैमरा जो कि है DSLR। क्वालिटी में आप फ़र्क देख सकते हैं पहले से और अभी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो क्वालिटी में अगर आपको फ़र्क लग रहा है तो मुझे बताइएगा एक बार कॉमेंट बॉक्स में नीचे कि पहले वाला कैमरा बेहतर था या ये बेहतर था। तो अभी चलते हैं बाहर, लेते हैं टैक्सी और चलते हैं दिल्ली। सो द फर्स्ट टारगेट इज़ कि यार टैक्सी यहाँ है नहीं और सोसाइटी से जस्ट अभी बाहर निकला हूँ, टैक्सी मिल नहीं रही। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ये जगह है, ये फ्लैट है जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, और यहीं रहने वाला हूँ अभी कुछ दिन क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है आसपास। और डेली ब्लॉगिंग जब से शुरू की है यार कंटेंट नहीं मिलता था अपने होम टाउन में रह करके, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना शिफ्ट किया जाए कहीं बाहर जहाँ डेली कंटेंट भी मिले, जहाँ डेली घूमने को भी मिले। और ये जो हमारी फैमिली है ट्रैवलर्स की ये बढ़ती रहे लगातार, तो अभी चलते हैं दिल्ली। आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको जिन लोगों को नहीं पता कि नोएडा मेट्रो कैसे काम करती है। तो आज मैं जा रहा हूँ यार नोएडा मेट्रो, नोएडा मेट्रो के अंदर कार्ड नहीं चलता दिल्ली वाला, नोएडा मेट्रो के अंदर एक टोकन देते हैं। जब मैं आया था यहाँ तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि नोएडा मेट्रो के अंदर कैसे सफ़र कर सकते हैं, कैसे टिकट मिलता है और क्या प्रोसीजर है पूरा। एट माई प्लेस आई वॉज थिंकिंग कि यार ओला ले लूँ, लेकिन ओला मैंने ली नहीं वहाँ से और अनफॉर्चुनेटली यहाँ से अभी कुछ मिल नहीं रहा, प्रोग्राम लेट पर लेट होता जा रहा है, वहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ अभी तक अटका हुआ हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ से मेट्रो है लगभग 1.5 किलोमीटर और ये रास्ता पीछे वाला यहाँ से 1.5 किलोमीटर है लगभग, देख ही रहे हैं आप कोई टैक्सी वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा। मेट्रो यहाँ से मेट्रो होगी जी 3 किलोमीटर, 2 या 3 किलो, 3 किलोमीटर हाँ। अरे यार फंस गए। तो यार मेट्रो का सीन ये है कि यार ऑटो लेना पड़ेगा यहाँ से, तो चलो देखता हूँ यार क्या मिलता है। जब मेट्रो छोड़ देंगे, मेट्रो कौन सा मेट्रो करोगे? कोई भी मेट्रो पास वाला। कितने पैसे लगेंगे भैया? अरे जो दे दे देना। अरे वाह अरे वाह, जो इच्छा हो दे देना, चलो छोड़ देता हूँ। तो क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। अरे शर्मा जी, आपका मनोज शर्मा, मेरा मनु शर्मा। आप छोड़ रहे हैं मुझे मेट्रो तक, तो मेट्रो पास ही है यहाँ से, नोएडा से मेट्रो चेंज करनी पड़ती है दिल्ली के लिए, अलग अलग प्रोसीजर है दोनों मेट्रो का। आपको एक चीज़ बताऊं मैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो यह है यहाँ की हरियाली। अगर आप रोड्स पे जाते हैं या आप कहीं भी ट्रेवल करते रहते हैं तो आपको हरियाली चारों तरफ देखने को मिलेगी। हाँ जी, पूरा ग्रीन एरिया, मतलब आकर के तबीयत खुश हो जाती है। यही अगर NCR के दूसरी तरफ आप फरीदाबाद में जाते हैं तो फरीदाबाद के अंदर आपको ऐसा लगता है सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है हरियाली। परी सामने परी चौक की परी वहां सामने खड़ी हुई है, परी चौक फेमस है। तो शर्मा जी ने हमको छोड़ दिया है यहाँ तक, बहुत कम पैसे लिए, नाक के बराबर लिए, मैं बता भी नहीं सकता, मैं काम खराब करना नहीं चाहता हूँ। बहुत से ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं सफर के दौरान और आप सब लोग देखते ही रहते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, उनमें से शर्मा जी भी हमारे के। थैंक यू शर्मा जी, मुलाकात होगी। थैंक यू। तो यहाँ से छोड़ दी है हमने गाड़ी और पीछे स्टेशन है मेट्रो का। तो अभी और ये पुलिस कहाँ से आ गई? आप क्या कर रहे हैं जी? आप क्या कर रहे हैं? ये मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ YouTube चैनल के लिए। अच्छा अच्छा। 2000 years later. YouTube पे डालोगे? हाँ YouTube पे जाएगा। बहुत अच्छा जी, तो YouTube चैनल पे बनाता हूँ सारी सीरीज और वो सब मैं अपलोड करता हूँ जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी हाँ जी, चलिए बढ़िया, बड़ा पहली बार मुझे इतना अच्छा चेहरा देखने को मिला है पुलिस का। हमेशा मैंने देखा है वीडियोस में लोग दिखाते हैं उल्टा सीधा,
लेकिन आपने मुझे बुलाया और पूछा, उसके बावजूद कोई नेगेटिव चीज़ नहीं रही। तो हमारी जो धारणाएं हैं पुलिस को लेकर के, वो ख़राब बनानी नहीं चाहिए। पुलिस हमारे लिए बड़ी मेहनत करती है। आप देखिए, आप लोग यहाँ हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस के होने से एक एहसास होता है कि भाई एक सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं रोड पे चारों तरफ लोग चल रहे हैं, इधर कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। उसके लिए हमारी यूपी पुलिस हमेशा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यूपी पुलिस, विच वाज वेरी गुड। एंड उन्होंने बुलाया, मुझसे पूछा, मैं आ रहा था निकल के, उन्होंने मुझे रोका, पूछा। ओवरऑल अच्छा था, कुछ कहा नहीं उन्होंने। उनको थोड़ी जिज्ञासा थी इस चीज़ को जानने की कि आखिर ये चक्कर क्या है, क्या ये मैंने ले रखा है। बड़ा सा कैमरा मेरे हाथ में लग रहा था। अभी आ चुके हैं मेट्रो, चलो चलते हैं मेट्रो, दिखाता हूँ प्रोसीजर। में कहा, मुझे ले गए जाके पढ़ाया, ये बताया कि आप प्लीज़ ब्लॉग मत कीजिए, हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं नहीं करने वाला हूँ। और देखिए, हमेशा ऐसे खाली रहती है नोएडा मेट्रो, पूरी की पूरी खाली रहती है, लोग नहीं रहते बिल्कुल भी, ना के बराबर लोग होते हैं। पुलिस ज़रूर होती है। अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ वो पीछे भाई साहब बैठे हुए हैं, वो भी पुलिस में है, वो देख रहे हैं मुझे लगातार। अभी वो मेरे पास आए नहीं, उन्होंने मुझसे कहा नहीं, इसलिए मैं खुल के रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अगर वो कहेंगे कि भाई अलाउ नहीं है, ऐसा मत कीजिए, तो फिर तब का तब देखा जाएगा, अभी उसका वक्त नहीं है। ये मेट्रो मुझे लेके जाएगी इस स्टेशन से लेकर के और सेक्टर 51 तक, जहाँ से मुझे मिलेगी दिल्ली के लिए मेट्रो, वहाँ से एक स्टेशन चेंज करके आपको मेट्रो मिल जाती है, दिल्ली मेट्रो। वहाँ पे आपका टोकन भी चलेगा, आपका कार्ड भी चलेगा। इस मेट्रो के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि इस मेट्रो के अंदर टोकन होता है। बेसिकली जो टोकन है वो दिखता है ऐसा, इसको स्कैन कराना पड़ता है वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस दिखाया, और फिर आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये कागज़ बेकार हो जाता है एक बार ट्रेवल करने के बाद। यहाँ कार्ड का भी अरेंजमेंट नहीं है, शायद आने वाले वक्त में हो जाए, जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। इस टोकन से ही काम चला रहा है। ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और अभी मैंने सोचा कि यार कहीं बैठा जाए, चिल किया जाए। एक ये बड़ी पुरानी जगह थी जहाँ मैं आया करता था पहले, तो सोचा कि पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो अभी मैं हूँ माय बार हेडक्वार्टर्स में, और बढ़िया अच्छा एटमोसफियर हो रखा है। सो द सेम थिंग हैपेंड अगेन, आई वॉज व्लॉगिंग ऑन दैट सेटअप एंड टू गाइज कम टू मी एंड सेड, आर यू व्लॉगिंग और आर यू ए यूट्यूबर? आई सेड यस, एंड दे आस्क्ड फॉर माय चैनल, दे सब्सक्राइब माय चैनल। So it's a great experience when you met with the guys, new guys, and yeah, it was a very nice feeling for me because I was in politics and lots of guys knows me according to that ID. But after starting this vlogging, एक नई पहचान मुझे मिली है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लोकेशन आज की मैंने थोड़ी अलग चुनी है, बाहर वाली चुनी है, बट कोई नहीं यार, कंटेंट होना चाहिए यार, कंटेंट। अगर कंटेंट है तो सब कुछ है। अगर आप देते हैं अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट, देन ऑब्वियसली यार आपका चैनल चलेगा ही चलेगा। जब मैं सुबह सो करके उठा तो मैंने सोचा कि यार कहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या शूट करूँ। मेट्रो पे गया और मातों और पंगे हो गए। एक बार उसने चेकिंग की, छोड़ दिया, दिल्ली मेट्रो के अंदर आया, कैमरा छीन लिया उन लोगों ने, तो गली मत थी, हमारे भाई में थोड़े से गर्ड्स हैं, तो यार छूट गया, वीडियो सारी डिलीट करा दी, कैमरा ले ले रहे थे। और अभी भी जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको एक हिदायत दूंगा कि दिल्ली मेट्रो के अंदर बिल्कुल कैमरा लेकर के मत जाना, कैमरा तुम्हारे हाथ में देख लिए सीन लेंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि दिल्ली मेट्रो के अंदर कैमरा लेके मत जाना। तो ये सब चीज़ मुझे आपको बतानी थी, और अभी एंजॉय करो इस म्यूज़िक को, सुनो। Thank you.